पांच चरणों में 100 शहरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया था। इस परियोजना का उद्देश्य यहां रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और आर्थिक विकास को गति देना है। इसमें राजस्थान से जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा का नाम भी शामिल है, जिसके चलते यहाँ विकास कार्यों के लिए अलग से बजट भी दिया जा रहा है ताकि इन शहरों को स्मार्ट बनाया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी भीड़ भाड़ कम करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना, वायु प्रदूषण कम करना, आपसी संवाद और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना आदि शामिल है। बावजूद इसके आज भी स्मार्ट सिटी नाम की स्मार्ट सिटी है, यहाँ आज भी कई सुविधाओं की कमी है। सरकार ने विकास के नाम पर पूरे शहर को खोद कर रख दिया है, चाहे हर घर नल जल योजना हो या फिर सिविल लाइन, जिसके चलते सड़कों पर गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़कें दिख रही है। राजधानी जयपुर, जयपुर का भी कुछ हाल ऐसा ही है, जो चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रहा है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे उन जख्मों पर ध्यान देने की बजाय अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें प्रदेश की राजधानी में रहने में शर्म नहीं आती। शहर जगह जगह से खुदा पड़ा है और रही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बारिश आने से पहले संबंधित अधिकारी और नेता जो दावे कर रहे थे उन पर पानी फिर गया है। उसके लिए वर्तमान सत्र की बैठकों से निलंबित किया जाए। इनको सदन से निलंबित किया जाता है। मार्शल निकालो जो। अभी बीते दिनों सिक्कर रोड और परकोटा पानी पानी हो गया था। शहर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते सड़कों पर भी पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बारिश की सीजन की लापरवाही को अखबार और न्यूज चैनल वाले भी हेडलाइन बना चुके हैं, लेकिन सरकार और अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब नगर निगम मुख्यालय पर कांग्रेसी पार्षद पंडित करण शर्मा सीवर लाइन का पानी लेकर बोतल में पहुंचे, जिसको मेन गेट पर उपस्थित पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे अपने समर्थकों के साथ नगर निगम मुख्यालय के अंदर घुस गए और जमकर मेयर सौम्या गुजर और बीजेपी बोर्ड के मुर्दाबाद के नारे लगाए। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद करो के नारे लगाए गए। बाद मामला बढ़ता देख अतिरिक्त उपायुक्त सीमा कुमारी ने डेलीगेट्स को मिलने के लिए बुलाया। पार्षद पंडित करण शर्मा के साथ चार लोगों ने उनसे मुलाकात की। चर्चा के बाद अतिरिक्त उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि सिविल लाइन की जो भी समस्या है उन्हें सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा अधिशासी अभियंता हेडक्वार्टर को आदेश दिए गए कि वे वार्ड नंबर 134 में यूरिनल बनाने का काम जल्द से जल्द कराएं। इस प्रदर्शन के दौरान पार्षद पंडित करण शर्मा समर्थकों के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे।